एक मिनट मैं उठाती हूँ। हेलो हेलो रुको। हेलो, बहुत दिनों के बाद किसी क्लाइंट का फोन आया है, उसे फोन पर ही डरा के मत भगाओ मुझे तो। हेलो, डिटेक्टिव शंकर स्पीकिंग। क्या कहा, बिन लैडन को पकड़ के दूं? सॉरी, मैं अमेरिका वालों के मामलों में दखल नहीं देता। बॉस, क्या अमेरिका से फोन आया था? पागल हो गई क्या? झुमरी तलैया से कोई बुश की आवाज मिमिक्री कर रहा है। सारी दुनिया को पता चल गया कि मेरे पास काम नहीं है। मैं कमिन सर? नो, लगता है कोई क्लाइंट आया है, उन्हें दिखाना है कि हम बिजी हैं। ओके बॉस। ये बिजी नहीं, वहाँ जाकर कुछ काम करो। एक्सक्यूज मी, लगता है आप लोगों को ब्यूटी पार्लर की तलाश है, वो बगल वाली बिल्डिंग में है, वहाँ जाइए। नहीं डिटेक्टिव शंकर। दैट्स मी बेब, कम इन। कच्चे तो छोटे छोटे हैं, बैठ जाइए, जल्दी बैठ जाइए। आई एम डिटेक्टिव शंकर। और ये मैं? ये मेरी ही क्लाइंट हैं। इंटरनेट में इनकी अश्लील वीडियो आ रही है, इसलिए मेरे पास कंप्लेंट करने आई हैं। इस केस को मैं बाद में देख लूंगा। व्हाट्स योर केस? हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके चुने हुए लड़कों से हमारी शादी हो जाए, और इस सिलसिले में वो आपके पास आए थे। वो तीनों लड़कियां आप ही हैं? आपके नाम भी खंभा, गधा, नानी, ऐसा ही कुछ है ना? आई एम रानी, ये राधा और ये रंभा। अच्छा अच्छा, तुम्हारे बाप कहलाने वाले उन नमूनों ने जबरदस्ती ये केस मुझे दे दिया। सुना है इस काम के लिए 2500 रुपीस फीस भी लिया है आपने? पूरे 10,000, ये सिर्फ एक एडवांस है। हमारे पेरेंट्स को यकीन दिला दीजिए कि आप हमें मना रहे हैं, लेकिन हमारी मंगनी को किसी तरह रोकना आपका काम है। जरूर, वो 2500 सिर्फ 2 शून्य, ये 10,000 है, 4 शून्य है। जहाँ शून्य ज्यादा है वही मेरा सपोर्ट है। यू कैरी ऑन। थैंक्स, तो हम चलते हैं। जाइए, मंगनी के दिन फिर मिलेंगे। ओके बाय। सो यस, जिसे एनिमल प्लैनेट पे दिखाना चाहिए, अगर उसे इंटरनेट पे दिखाएंगे तो कौन देखेगा? भाई भाई को काटने वाले आजकल के जमाने में आप तीनों दोस्त इतना मिलजुल के रह रहे हैं, खुशी की बात है। अरे आहिस्ता बोलो, नहीं तो नजर लग जाएगी। लगता है लड़की आ रही है। अच्छा, यही सही कहा तुमने। सब लोग आ गए। मोटी है लेकिन शक्ल सूरत से अच्छी है। चलेंगी? क्या कहा चलेंगी, ये तो हम ही जानते हैं हम इन्हें कैसे चला रहे हैं। अबे चुप, इस तरह आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हो, ये हमारी बीवियां हैं। हमसे 10,000 लेके वो शंकर का बच्चा आया ही नहीं, अब हम क्या करेंगे? मुझे पहले ही शक था वो फ्रॉड है। वो नहीं भी आए तो क्या हुआ, हम खुद ही संभाल लेंगे। चलो क्या सुपर घोड़िया है। तब हमारी बीवियों को मोटी कहा था, अब हमारी बेटियों को घोड़ी कह रहे हो? कहो कि स्वर की अफसर आए हैं। लड़कियां हमें बहुत पसंद आईं, सुंदर और सुशील लग रही हैं। सब फैसले आप ही करेंगे क्या, हमें लड़कों से अकेले में बात करनी है। आइए आइए, प्लीज कम। आइए आइए ना। कहाँ चले गए? अरे कहाँ गायब हो गए, क्या हुआ इनको? गायब? ऐसी हरकत करती रहोगी तो तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। हाय आकाश, हाउ आर यू? आई एम फाइन। इंडिया जाती तो मुझे कांटेक्ट करने वाली थी, देर क्यों कर दी? हम शादी कब करेंगे? मैं अकेली थोड़ी ना हूँ, रंभा और राधा भी तो हैं, उनकी शादी तय होने दो, हमारी भी हो जाएगी। मैं तो राधा छोड़ना का पीछा कर। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, ओवरटेक हिम। अरे रुकना, Oh!
गाड़ी चढ़ाकर इसे मार दिया। मुंह बंद कर, तूने ये फास्ट चलाने को कहा? रोड पर तेज चलाने के लिए कहा था, इस पर चढ़ाने के लिए नहीं। अरे अरे, मुझे दोष दे रही है। खैर छोड़ो, कंटेनर में कोई है कि नहीं चलो देखते हैं। ए रुको रुको रुको, तुम यही रहो। लगता है सिर्फ ड्राइवर ही था, यहाँ कोई भी नहीं है। तू यहाँ क्यों आई? मुझे बहुत डर लग रहा है यार, लगता है जैसे वो मुझे ही घूर घूर के देख रहा हो। ठीक है, पुलिस को फोन करते हैं। नो 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 नो, पुलिस को पता चल गया तो सबसे पहले वो हम पर ही केस करेंगे। हम तीनों को अंदर जाना पड़ेगा, हमारी जिंदगी क्लोज, चुपचाप इसे यहीं दफना देते हैं। उस जगह को पानी से अच्छी तरह धो दिया मैंने। खोदना। वहाँ एक गड्ढा है, कहाँ? वो देखो, उसमें लाश को डाल के दफना देते हैं। उस एक्सीडेंट स्पॉट में जाके क्या हालचाल है पता करते हैं। इसकी खबर डैडी मम्मी को नहीं है ना? नहीं, खासकर रानी को पता नहीं होना चाहिए, उसे कुछ नहीं पता। चल, तुम में रंभा कौन है, राधा कौन है? ये रंभा, मैं राधा। यू आर अंडर अरेस्ट। किस लिए? तुमने लॉरी ड्राइवर का खून किया, उसके लिए। खून किया? हमने? कब? गवाह है? चपट कर दिया रंभा। एक खून करने के लिए फांसी है, दो खून के लिए भी वही फांसी। अब तुझे ठीक करती हूँ। इसी जुबान से तूने गवाही दी थी ना? सपने में सब कुछ उगल दिया? हाँ बोल दिया। ये देख, खून के बारे में पेपर में छपा है। क्या क्या छपा इसमें? ए, चिल्लाना मत, हम बच गए। जिस कंटेनर ड्राइवर का हमने खून किया था, खबर आई है कि पुलिस उसे ढूंढ रही है। अच्छी बात है। लेकिन हमें खतरा तुमसे है। खतरा? कि तू किसी से कहीं कुछ बक न दे। रंभा, अरे बाप रे, चल हमारे साथ, जल्दी। एट एनी कॉस्ट हम आपस में नहीं लड़ेंगे और ना ही अपने पेरेंट्स से इसके बारे में कुछ कहेंगे। हमें इस टेंशन से निकलना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए? हमारे प्लान के मुताबिक हमें एक म्यूजिक एल्बम करना चाहिए। सुपर आइडिया। यहाँ करेंगे? यहाँ नहीं, सिटी में जो हमारा फ्लैट है वहाँ करेंगे। हेलो। हाय राधा, आशा बोल रही हूँ। हाय आशा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? रंभा, रानी, मैं, हम सब अच्छे हैं। ये क्या, तुम इंडिया आने वाली थी पर आई नहीं? मैं वहाँ आना चाहती हूँ, तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, पता नहीं कैसे आ पाऊंगी। हवा में उड़ के आ, नहीं तो पानी में तैर के। ले। सरकार, बहुत भूख लगी है सरकार। मेरे पास जो भी भूखा आता है उसे हरे पत्ते में खाना खिलाकर हाथ भर के हरी पत्तियां देकर भेजता हूँ। क्यों, अच्छी आदत है ना? ढूंढ मत, उसमें जो था वही है ये। जब से तूने मेरा पीछा करना शुरू किया तभी से मैं तेरा पीछा कर रहा हूँ। तेरे दिन भर गए तभी तो तू मेरे पास आया। क्या किया जाए बोल, यमराज के पास ओवरलोड है, इसीलिए तुझे मेरे पास भेज दिया। मुझे कुछ मत करो सरकार। जब मौत की तलाश में आ ही गया है तो घबराता क्यों है? तुझ जैसे को सरकारी पगार नेशनल वेस्ट है और तेरे साथ बात करना मेरा टाइम वेस्ट है। साहब जी, लेफ्ट में या राइट में? लेफ्ट। मुझे यूज करोगे तो तरक्की की सीढ़ी बनूंगा।
मिसयूज करोगे तो कफन बनूंगा। हमारी बेटियां एमटीवी और वी चैनल जैसे एल्बम बना रही हैं, ये तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन लेकिन क्या, हम शादी ही नहीं करेंगे कहकर हमारे फार्म हाउस में अकेली जाकर रह रही है, यही तकलीफ है ना तुझे? हैं? उन तीनों की नजर में बाप के लिए कोई इज्जत नहीं है। हमारे साथ ऐसा ट्रेड करते हैं जैसे हम पागल हैं। क्यों हंसे? हम उनके बाप हैं ये साबित करने के लिए डिटेक्टिव शंकर को हम उनके पीछे साये की तरह लगा देंगे। हाँ। रंभा बी केयरफुल, सीढ़ी कमजोर है। अब ठीक है? थोड़ा लेफ्ट। नहीं नहीं, राइट राइट, ये लेफ्ट लेना। राइट। शॉट वन, टेक वन। ठीक, ओके। आप कौन हैं? इस तरह के फालतू सवालों के मैं जवाब नहीं देता, मेरा असिस्टेंट जवाब देगा। राम काम। यस सर। ओह, टच ओके। कीप इट। आई एम गोइंग इनसाइड। साहब आलम के बारे में बात करने आए हैं, मैं उनका असिस्टेंट हूँ। कहीं देखा है? इन छोटी छोटी आंखों से देखना ही बड़ी बात है। गनी मत है कि तुमने मुझे देखा है। वैसे आप हैं कौन? डिटेक्टिव शंकर मेरा भाई है। सगे भाई हैं? सगे भाई हैं, लेकिन भाई नंबर वन। उफ़, दिमाग मत खाओ। मैं भेजा खाता हूँ दिमाग नहीं। मेरा भाई छोटी उम्र में बिस्तर पर ही बाथरूम करता था, तब से उसका नाम भाई नंबर वन हो गया। बाय द वे, तुम कौन हो? इस घर की नौकरानी? तुम्हारी शक्ल भी बुरी नहीं है, बाजू में आओ, फोटो खींचता हूँ। व्हाट? सॉरी, हटो, इसका जवाब देने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अगले साल मुझे ऑफिस में आकर मिलो। वो कौन है? धूल झाड़ने वाली नौकरानी? इसका भी चेहरा बुरा नहीं है। टिल डाउन, पटलक भी सुपर, बीमा कराना चाहिए। कैच द हैट। ओहो, फिगर भी सॉलिड है। क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ? हम ही इस एल्बम के प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर्स? ऐसे फटे पुराने कपड़ों में फाइनेंस की कमी है क्या? शट अप, यही फैशन है। खैर कोई बात नहीं, घर के छोटे मोटे काम करने के लिए एक नौकर रखने की हैसियत नहीं। कल को मेरा पेमेंट कौन देगा? आई एम सॉरी, ऋतिक रोशन के साथ मेरा अपॉइंटमेंट है, मैं बाद में मिलता हूँ। ऋतिक रोशन के साथ अपॉइंटमेंट है? ये क्या मालगाड़ी सिग्नल तोड़ के कहाँ से आ गई? यूं ही आज तक वालों की तरह बकबक करते जा रहे हो? तो फिर तुम ही बको। कौन हो तुम? व्हाट ए शेम, ये मेरा फ्रेंड शाहरुख खान सुनेगा तो कितना फील करेगा। मेरे बारे में कुछ भी जाने बगैर म्यूजिक एल्बम करने का ख्याल तुम्हें आया कैसे? आपके बारे में तो हमने पहले कभी नहीं सुना। व्हाट एन इंसल्ट। अच्छा हुआ ये बात डांस किंग गोविंदा ने नहीं सुनी। बाय द वे, पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे बाल बच्चे भी हैं? इडियट, ये सब डॉल्स हैं। ये सचमुच एल्बम बनाएगा? ये कैसी फालतू बातें हैं? एमटीवी वी चैनल वगैरह नहीं देखती? उनमें आने वाला हर एल्बम इन्हीं का बनाया हुआ है। इनका नाम है सुभाष कुमार बंसाली। सुभाष कुमार बंसाली? यस, सुभाष गई, राजकुमार संतोषी, संजय लीला बंसाली, ये सब मेरे साथ डायरेक्टर्स थे। व्हाट? मतलब मैं इनके साथ असिस्टेंट रह चुका हूँ। वो सब ठीक है। या तुम में एल्बम बनाने का कोई एक्सपीरियंस है या नहीं? एक्सपीरियंस, तजुर्बा? तुम लोगों ने रिन साबुन का एड नहीं देखा? नो प्रॉब्लम। ये बताओ एल्बम में कौन कौन मॉडल्स हैं? मॉडल्स? तुम्हें डांसिंग आती है? थोड़ी बहुत। ओह, वैसे तुम लोग पूरी भाजी तो खाती हो ना? ओनली पिज्जास एंड बर्गर्स। ओह पिज्जास, तुम्हें एक्टिंग आती है? नहीं आती। नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम, मुझे भी डायरेक्शन नहीं। जैसा जैसा मैं सीखूंगा तुम्हें भी सिखा दूंगा। मेरे एल्बम के तीनों सुपर मॉडल्स तुम ही हो। क्या हम आर्टिस्ट हैं? मुझे एप्पल जूस चाहिए। अभी से इनका नखरा शुरू। देखो सुभाष कुमार बंसाली का कमाल, तुम तीनों के एल्बम में नाचेगा गोविंदा। वादा किया था एल्बम के लिए गोविंदा को लाएंगे, यहाँ गोविंदा भी नहीं आया और वो दाढ़ी वाला डायरेक्टर भी गायब। और उन दोनों को देखो, वहाँ आराम से बैठकर जूस पी रहे हैं। वो दढ़ियल एक नंबर का 420। क्यों बेबी, जब मैं अप में था तब डॉन में मेरे बारे में बुरा भला कह रही थी? नहीं सर, गोविंदा कहाँ है सर? अपने तमाम प्रोड्यूसर्स को गोविंदा तंग कर सकता है, लेकिन सुभाष कुमार बंसाली को नहीं। गोविंदा फ्लाइट लैंडेड, कार में कमिंग और शूटिंग स्टार्टिंग। लेट द क्रेन गो अप। टेक ओके, थैंक यू गोविंदा जी। बहुत थक गया हूं। इधर आओ। ऐसी भी क्या थकान है, तुमको पहले कभी नहीं देखा। कौन हो तुम? हाँ मैं नया हूँ। नए हो, इस तरह सीना फुला कर क्यों रखा है? गाने की वीसीडी है। गाने की वीसीडी? हाँ। कौन सी गाने की? अभी जो गाना फिल्म है उसी की वीसीडी। अरे बाप रे, इतनी जल्दी पायरेसी? किसका फोन हो सकता है? किसी का भी होने दो, मुझे क्या है, मैं चला।